ভাই দুই একবারে গ্যারেজে ঢুকে আমার গাড়িটা কি হচ্ছে আমি নিজেও জানি না ঠিক আছে বাবা নিয়ে এসেছি সকালবেলা এখন বাজে বিকেল হয়ে গেছে রাত হয়ে যাবে মনে হচ্ছে স্যান্ডিং করে রেখে দিয়েছে গাড়িটা আমার পড়ে আছে তা তোমরা যদি এই রিমঝিম বৃষ্টি আর ঝিমঝিম ঝিমঝিম বৃষ্টি মজা নিতে চাও তো প্লিজ आज का ब्लॉग जो है वो बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में कुछ अलग करेंगे कुछ अलग मतलब मेरी एंजल जो है मतलब मेरी बाइक पे कुछ काम करवाएंगे ठीक है क्योंकि उसका 2 साल हो चुका है तो उसमें थोड़ी बहुत रस्टिंग आ रहा है और उसका कलर का भी थोड़ा बहुत मतलब वो थोड़ा डल हो गया था तो आज ये सारा जो प्रॉब्लम है ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ बेसिकली मतलब जिसके साथ ये जो हुआ है मतलब जिससे मैं करवाने वाला हूँ ये वाला चीज़ उसको मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ लेकिन मैंने कभी आपको कहा नहीं क्योंकि ये एक सरप्राइज़ था सो मेरा सडनली प्लान बना कि यार इसको थोड़ा चेंज करते तो उसको थोड़ा मतलब ठीक करेंगे सो लेट्स गो बेसिकली मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सो चलो आप सबको भी लेके चलते और हाँ मतलब 10 बजे जाने का प्लान था अभी तो 11 बज चुका है सो बहुत लेट हो चुका है एक घंटा लेट मतलब वो फ़ोन कर रहा है कि भाई कहाँ पे तू जल्दी आ सो मतलब वीडियो एडिटिंग कॉपी ये सब के चक्कर में यार लेट हो जाता है मतलब आंखें देख के समझ ही रहे हो कि यार मतलब कुछ देर पहले नींद से जागा हूँ मैं सो लेट होना तो जायज़ था सो लेट्स गो निकलते हैं हाँ फिर निकल के आप लोगों से बात करते हैं ओके अरे बाप रे ये तो बारिश हो रहा है यार एंजल का पर्दा हटाते यार इसकी हालत बहुत ख़राब है यार न्यूट्रल करते हैं इसको चलो इसको पोल स्टार्ट करते हैं आई होप कि एंगल सही है हाँ अच्छा सर इसको पोल स्टार्ट करते हैं निकलते हैं यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया 11:30 बज चुका है वैसे मुझे बहुत दूर तो नहीं जाना है पर काम बहुत है इसमें तो आज ये पूरा नया जैसा हो जाएगा तो मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ इसकी हालत बोलो गाइस एक सेकंड यहाँ से निकलते पहले भाई जिन लोगों ने नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग देखा था तो उन लोगों को रास्ता देख के पता चल जाएगा कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ तो बेसिकली जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे आपका बहुत सारा काम होता है रैपिंग उसके बाद आपका स्टिकरिंग कलर डिटेलिंग सेरामिक कोटिंग मतलब 4-व्हीलर का भी होता है 2-व्हीलर का भी होता है तो मुझे मेरे पास तो अरे जल्दी आओ यार ऐसी बारिश हो रहा है निकलना है बस बारिश होने से पहले मैं पहुँच जाऊँ बाहर तक उसके बाद फिर जो कुछ हो जाए होने दो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं तो अंदर रहने वाला हूँ काका प्लीज़ छोड़ दो मुझे काका तो बेसिकली देखो गाइस अगर मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ ना तो मुझे भी उसके बारे में अच्छी से पता होना चाहिए तो मैं इसके पहले तो मैं इस बंदे को जानता था ठीक है लेकिन उसका काम कभी नहीं देखा तो आज पहली बार होगा कि उसका काम भी देखूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा रिज़ल्ट जो भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा तो उसके बाद जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं एक्चुअली अच्छा हुआ तो ही रिकमेंड करूँगा नहीं अच्छा हुआ तो जाने दूँगा ठीक है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो क्योंकि आज आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा बेसिकली देखते 2 साल पुराना बाइक है इसको ये नया कैसे बना देता है वैसे मेरा बाइक बहुत ज़्यादा पुराना हुआ भी नहीं है लेकिन यार यहाँ पे देखो ना कुछ सडन जगह से पेंट भी निकल गए हैं ठीक है ये सारे जो पेंट है ये सारा निकल चुका है तो
इसका पेन करेक्शन करना ज़रूरी था, मतलब छोटा 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 छोटा, वैसे टैंकी में भी छोटा मोटा स्क्रैचेस है, ठीक है, टैंक पे भी क्रैचेस, बहुत सारे स्क्रैचेस है, छोटे 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 स्क्रैचेस हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है पता है, जब हम लोग हाईवेज पे चलते हैं ना, तब स्टोन चीपिंग होती है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पत्थर आके लगते हैं, और उस टाइम पे तो यहाँ पे एक बैग रखा हुआ होता है ना, तो उस चक्कर में क्या होता है, वो जो बैग है वो हिलता है, और ये जो टैंक है ना, इसमें छोटा छोटा स्क्रैचेज आते जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है यार, मतलब इसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे PPF करवाना था, ठीक है, मतलब जब मुझे बाइक मिला, मतलब मैंने जब परचेस किया था तभी मुझे PPF करवा लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में नहीं कर पाया। अगर ये वाला जो काम मैं करने जा रहा हूँ, ये अगर सब सही रहा, सब सॉर्टेड हुआ और ठीक लगा मुझे, ठीक है, तब तो मैं इसके ऊपर PPF भी करवाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ अलग लुक दूँ, मतलब इसको वेनम भी करवा सकता हूँ, स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन, ऐसे कुछ थीम में इसको रैप करवाऊँ, ये मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे मेरे दिमाग में वैसा कोई डिज़ाइन तो नहीं आया है, देखते हैं, ठीक है, चलो भाई से मिलवाएंगे, भाई का जो दुकान का नाम है, शॉप का, वो भी आप लोगों को आज बता देंगे, ठीक है, मतलब भाई से सब मिल चुके हो, ठीक है, जो लोग लास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखे हुए हो वो लोग तो पता, मतलब देख के ही पता चल जाएगा, ये रास्ता जो है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो देख के पता चल जाएगा। लेकिन यार उसका वर्कशॉप जो है ना वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब उस पर काम चल रहा है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का, और मतलब हर चीज़ सेट नहीं हुआ है वहाँ पे, तो अभी मैं वर्कशॉप पे काम नहीं करवाऊँगा, मैं उसके घर पे चला जाऊँगा डायरेक्टली, और उसके जो गैराज है, उसका जो गैराज है जहाँ पे वो अपना गाड़ी रखता है, वहाँ पे काम करवाएगा ये बंदा, ठीक है, बंदा तो ठीक है, देखते काम कैसा करता है, ये देखना पड़ेगा कि काम कैसे करता है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, जो जगह है ना यार बहुत गंदा है, मुझे जाम पसंद ही नहीं है, मुझे पता नहीं यार, मुझे जाम ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इस चक्कर में ऐसे टाइम पे निकलता नहीं हूँ, बस आज तो काम है, इस चक्कर में निकलना पड़ रहा है मुझे, देखते हैं भाई, मतलब बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों का रिएक्शन देखने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यार ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं बाइक का ऐसा काम करवा रहा हूँ, तो ऐसे पीछे से गली में उसका वर्कशॉप जो है वो इस तरफ है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे यहीं पे जाना है, चलो चलते हैं। तो गाइस पता चल गया ना, हाँ भाई बियासी भाई के पास ही आ रहा हूँ, उसका दुकान का नाम जो है वो ऑटोमोटिव है, और वो यही सब काम करता है, तो लेट्स गो, उसको चेकआउट करते भाई, यहाँ पे रखते बाइक यहाँ पे करते, और उसके बाद उसका देखते उसको बुलाते, भाई हम आ गए, चलो चलो पहले अंदर जाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, चेंज करूँगा। तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सो जो लोग पहले वाला ब्लॉग देख चुके हैं उन लोगों को तो पता ही है, सो दियासी के पास आए हैं, तो जिसका ऑटोमोटिव उसका जो चैनल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो ये वाला जो स्कूटर है ये पहले फोम वॉश होगा, और ये तीन बाइक्स है अभी, ठीक है, तो सौरभ आए, ये एक मेरा और दोस्त है अभिजीत, इसको तो जानते ही होगे, विकी द विकी ब्लॉग्स, सो भाई भी आए, सो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, सो ये सब लोग आए क्योंकि आज इसका डिटेलिंग होने वाला है, ठीक है, सो एंजल का कलर डिटेलिंग करेंगे, और इसकी हालत बहुत गंदी है, मतलब पहले इसको भी वॉश करेंगे और उसके बाद इसका डिटेलिंग करेंगे, तो आपको शॉर्ट्स सारे देखने को मिल जाएगा, और अभी कुछ देर बाद दियाशी थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद वो आपको आप लोगों को बता देगा डिटेल में कि वो करने क्या वाला है, ठीक है, इसके बाद शायद मैं इसमें कुछ और भी काम करवाऊँ, पर आज वाला काम देख लेते हैं, फिर आप सबको रिकमेंड करेंगे कि करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। बेसिकली मैं बोल रहा था कि अभी गाड़ी बहुत गंदा हो रखा है, तो देखो यार ये तो ऊपर वाले ने ही धुला दिया इसको, देखते काम पूरा खराब हो गया आज का, देखते क्या हो सकता है।
गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब बारिश आ गया था जो कि आप देख चुके हो। मतलब पहले दो चार स्कूटर था, दो स्कूटर था तो उसमें से एक वॉश कर रहा था, तो वो करते करते अपना लग गया, बारिश आ गया अचानक से, फिर वो स्कूटर करते करते बहुत टाइम हो गया। मतलब अभी शायद 3 बज चुका है, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ 12 बजे, उसके बाद अभी 3 बज चुका है। सो मतलब गाड़ी अभी भी है, मतलब ये वाला गाड़ी वॉश करने के लिए आया है, ये भी वॉश करने के लिए आया है। तो ये विकी व्लॉग्स का है, तो भाई आया है मुझे मतलब मेरा गाड़ी में क्या काम हो रहा है वो देखने के लिए। तो बियासी ने काम स्टार्ट किया है। तो बेसिकली ये जो है ये कलर जो है ना उसमें जो स्क्रैचेस वगैरह आया है, पेंट करेक्शन। तो बियासी आपको बताएगा, मतलब ये हो जाने के बाद थोड़ा बताएगा। ये लाइट थोड़ा इग्नोर कर लेना क्योंकि यार यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग बाहर शूट करने वाले थे तो बारिश के चक्कर में हम लोगों को अंदर आना पड़ा। तो दैट्स व्हाई। सो गाइस सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मतलब ये बोल रहा है गाड़ी दिखने में अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये तो गाड़ी ख़राब हो रहा है। मतलब ये जो कर रहा है ना, पता नहीं किस चीज़ से ये घिस रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो घिसने के बाद गाड़ी का जो कलर था, जो ग्लॉजीनेस था, वो भी ख़राब हो गया यार, पूरा डल हो गया। ये देखो कैसा पूरा डल हो गया, देखो यहाँ पे देखो, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे एंजल के साथ, आज क्या ही निकलेगा लास्ट तक। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है अभी कि क्या निकलेगा लास्ट तक गाड़ी, देखते हैं। सो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहो, लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या मतलब रिजल्ट क्या आता है। लास्ट रिजल्ट अगर अच्छा आया भाई सब ठीक हो जाएगा ना भाई। हाँ भाई ट्रस्ट करो, तो भाई बोल रहा है ट्रस्ट करो सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये वाला पैनल तो देखो यार कितना ग्लॉसी था, क्या ही हो गया है, आप लोगों को पता होगा यार, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। गाइस अभी तक तो आपने जो शॉर्ट्स देखा होगा वो सारा स्क्रैचेस मतलब इधर डल हो गया था, तो अभी पॉलिश होने के बाद, पॉलिश के सारे शॉर्ट्स देखे ना, तो अभी उसके बाद थोड़ा देखो, मतलब एक साइड में ये अभी इस साइड में करेगा तो वो उस साइड वाला थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, तो उस साइड में थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, ठीक है। आओ सही लग रहा है ना, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यार ये सही जगह पे जाएगा, मतलब ठीक ठाक बनेगा, देखते हैं कहाँ तक ये बनता है, देखते हैं। मतलब लास्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही ये पता चलेगा। तो ये जो नॉइज़ है वो उसका जो पॉलिश मशीन चल रहा है तो उसका नॉइज़ है, तो उस पर थोड़ा इग्नोर कर देना। आई गेस कि यार अच्छा ही बनेगा, मतलब अभी तो लग रहा है, मतलब जिस टाइम पे उसने सिर्फ स्टैंडिंग किया था ना, उस टाइम पे तो सैंडिंग या फिर क्या बोलता है वो किया था, तो उस टाइम पे तो इसका पूरा कलर ही ख़राब हो गया था, तो अभी लग रहा है कि वापस आएगा कलर फिर से, देखते तो आप लोग भी देखते रहो। तो हुआ है ये जो फर्स्ट वाला स्टेप हुआ है ये बाफिंग हुआ है, ठीक है। तो बाफिंग होने के बाद गाड़ी कुछ ऐसा लग रहा है, शाइन तो वापस आ रहा है धीरे धीरे, तो अभी इसका वॉशिंग होगा, ठीक है। तो वॉशिंग के लिए इसको निकाला जाएगा, हाँ सही है अब लग रहा है।
কি হচ্ছে আমি নিজেও জানি না ঠিক আছে বাবা নিয়ে এসেছি সকালবেলা এখন বাজে বিকেল হয়ে গেছে রাত হয়ে যাবে মনে হচ্ছে স্যান্ডিং করে রেখে দিয়েছে গাড়িটা আমার পরে আছে জল ঝরছে ঠিক আছে রিমঝিম বৃষ্টি আর ঝিমঝিম ঝিমঝিম বৃষ্টি মজা নিতে চাও তো প্লিজ আরবিএ ব্লগ সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব ভুল করেও করবে না কমেন্টস তো ভুল করেও না কমেন্টও করবে ঠিক আছে কি এটা কি শুট করছিস আমাকে কি ইউটিউবে দেখাবি এরকম তাই তো बेसिकली बाइक का वॉश हो चुका है और अभी फिर से एक कोटिंग लग रहा है उसके ऊपर क्योंकि एक कोटिंग जो आपने देखा था कि एक कोटिंग लगा फिर उसके बाद गाड़ी वॉश हुआ और उसके बाद फिर एक और कोटिंग लग रहा है पॉलिश तो ये कर ही जा रहा है पता नहीं लास्ट तक क्या होगा मेरे को नहीं पता पर हाँ इसका शाइन जो चला गया था वो वापस आ रहा है वो तो दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है साढ़े छः बज चुके हैं शाम के तो सुबह को मतलब 11 बजे से स्टार्ट हुआ था 11 बजे यहाँ पर आया था अभी बज रहा है 6:30 सो उसके बाद गाड़ी कुछ ऐसा तैयार हुआ तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है काम इसका ठीक है मतलब कंप्लीट है अभी इसको थोड़ा कपड़ा मार के फिर आप लोगों को वीडियोस दिखाते हैं ठीक है फिर आप लोग बताना आप लोग फिर कॉमेंट में बताना पहले देख लो लिया अभी कमेंट में जाओ और बताओ कैसा लग रहा है गाड़ी ठीक है अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और हाँ ये नया वाला जो 220 है मतलब ये थोड़ा नया हो गया है तो नया नया 220 है इसको लेके भी राइड करेंगे सो एंजल अभी पूरा नया अवतार में आ चुका है सो इसको लेके राइड करेंगे क्योंकि इसका इंजन ऑयल चेंज होना है तो इंजन ऑयल इसका चेंज करके फिर एक नया राइड होगा और बहुत जल्दी से होगा सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना सो सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग ओके बाय बाय